नमस्कार हिमाचल। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के कई स्थानों में हिमस्खलन की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। बर्फबारी के बाद रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRI ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है। जिला आपदा प्रबंधन को इसकी एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं DGRI ने अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल, मड़ी, रोहतांग और कोकसर क्षेत्र में हिमस्खलन गिरने की तृतीय श्रेणी की आशंका जताई है। लिहाजा इन क्षेत्रों को हिमस्खलन के लिहाज से असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर DGRI की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने पर्यटकों और आम जनता से इस ओर अनावश्यक यात्रा नहीं करने और सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं DGRI की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में हिमाचल के चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की आशंका जताई गई है। वायुसेना में तैनात जवान सुभाष चंद का निधन, पैतृक गाँव में होगा अंतिम संस्कार। वायुसेना में तैनात हिमाचल के सिरमौर जिले के नायक सुभाष चंद का ड्यूटी के दौरान अचानक निधन हो गया। जवान के निधन की खबर मिलने के बाद पूरे जिले में शोक की लहर है। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के तहत हरिपुर धार के घरोटियों निवासी नायक सुभाष चंद का बीती देर रात हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में निधन हो गया था। वहीं इसके बाद आज जवान की पार्थिव देह पूरे सैन्य सम्मान के साथ जिला मुख्यालय नाहन पहुंची। यहां प्रशासन की तरफ से SDM नाहर रजनेश कुमार ने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा क्षेत्र नायक सुभाष चंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इसके अतिरिक्त जवान की पार्थिव देह पैतृक गांव की तरफ रवाना हुई, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। नाहन में मीडिया को जानकारी देते हुए सैन्य कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि हरिपुर धार निवासी नायक सुभाष चंद्र हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में कार्यरत थे। वहीं उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र अपने पीछे एक छोटे बेटे, पत्नी व मां को छोड़ गए। कहा कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का पार्थिव देह नाहन पहुंची और इसके बाद हरिपुर धार ले जाया गया। उन्होंने बताया कि उनके पैतृक गांव में जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली पहुंचे CM सुक्खू, चार्टर्ड फ्लाइट और 5-स्टार होटल से किया इनकार, सादगी का दिया परिचय, कल पहुंचेंगे शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज श्रीनगर से दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि CM के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई थी, मगर उन्होंने इसे लेने से इनकार किया और वो नॉर्मल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। वहीं इसी तरह CM सुक्खू के लिए जम्मू कश्मीर में 5-स्टार होटल की व्यवस्था की गई थी, मगर वो 5-स्टार में रुकने के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे। चार्टर्ड प्लेन और 5-स्टार की सुविधा छोड़ने के बाद सुक्खू सादगी की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 28 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए श्रीनगर गए थे। 30 जनवरी की शाम को उन्होंने दिल्ली आना था, मगर श्रीनगर में भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से बीते कल वो वापस दिल्ली नहीं लौट पाए। कांगड़ा में पंजाब रोडवेज की बस का एक्सीडेंट, 7 घायलों में से 2 टांडा कॉलेज रेफर। चंडीगढ़ जा रही बस रानीताल के पास पेड़ से टकराई। हिमाचल के कांगड़ा जिले के देहरा में पंजाब रोडवेज की बस हादसाग्रस्त हो गई। आज सुबह चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की बस सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा रानीताल के पास हुआ। वहीं ज्वालामुखी से पहले ही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 7 यात्री घायल हुए, जिनमें से 2 को 108 एम्बुलेंस से टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अगर बस पेड़ से टकराकर नहीं रुकती तो बस पलट भी सकती थी। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, बस सवारियों से भरी हुई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्घटना की वजह शिमला से मटोर नेशनल हाईवे के बीच चल रहा काम है। बारिश के कारण सड़क पर पड़ी मिट्टी से फिसलन हो रही है, जिससे बस भी फिसल गई और संतुलन बिगड़ने से बस पेड़ में जा घुसी। रानीताल पुलिस चौकी प्रभारी जगदीश चंद ने हादसे की पुष्टि की है। हिमाचल में सरकारी नौकरी, ग्रामीण डाक सेवकों के 598 पदों पर होगी भर्ती, जाने डिटेल। हिमाचल में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ग्रामीण डाक विभाग में 598 पदों पर भर्ती करने जा रही है।
यह पद प्रदेश के विभिन्न जिला में भरे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत पोस्ट विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित की गई है। वहीं आवेदनकर्ता 17 से 19 फरवरी तक आवेदनों में शुद्धि कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन www.indiapostgdsonline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी अडॉप्ट करेगा हिमाचल। विक्रमादित्य सिंह का फरमान, विंटर स्पोर्ट्स को देंगे बढ़ावा। खेल विभाग का किया रिव्यू। हिमाचल के युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी स्टडी करने के निर्देश दिए। खेल विभाग की पहली समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला राज्य है, इसलिए हिमाचल भी हरियाणा के मॉडल पर आगे बढ़कर खेलों को प्रोत्साहन देगा। इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइज मनी, खिलाड़ियों की नौकरी, डाइट मनी इत्यादि सभी पहलुओं पर बारीकी से स्टडी करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में इससे खेलों को प्रोत्साहन दिया जा सके। बाद में इन्हें राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। सुंदर ठाकुर बोले, हिमाचल मोदी का दूसरा घर तो केंद्रीय बजट में भी दिखे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, तो यह बात केंद्रीय बजट में भी झलकनी चाहिए। प्रदेश की सीमा पर चीन सटा है। केंद्र सरकार सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल के 3 हवाई अड्डों शिमला, कांगड़ा और कुल्लू का विस्तार करे। वहीं उन्होंने कहा कि इनके साथ ही केंद्र हेलीपोर्ट बनाने का काम भी स्वयं कराए। देश की सुरक्षा के लिए यह हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट अहम है। हिमाचल में पर्यटन, बिजली और स्वास्थ्य के लिए ठोस नीति अनिवार्य है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी गारंटियों पर काम कर रही है, कोई भी योजना बिना बजट के नहीं होगी। पूर्व सरकार ने कई योजनाएं घोषित की और किसी के लिए भी बजट प्रावधान नहीं किया। प्रदेश में वन संपदा मौजूद है और इसके संरक्षण के एवज में केंद्र से हिमाचल को कोई वित्तीय मदद नहीं मिल रही। ठाकुर ने कहा कि राज्य को रेलवे और 4 लेन के प्रोजेक्टों के लिए केंद्रीय बजट पर काफ़ी आस है। हिमाचल में भांग की खेती होगी लीगल, कांग्रेस सरकार बनाएगी पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। विपक्ष में रहते कुछ कांग्रेस विधायक समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे हैं और हिमाचल हाईकोर्ट में भी PIL के माध्यम से इसको लीगल करने को लेकर मामला उठाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है और भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। वहीं कुल्लू से विधायक और CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर भांग की खेती के लिए पॉलिसी बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।